फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ब्लॉग है मेन मार्केट का ब्लॉग। तो यहाँ पे मुझे काम था तो मैं मांझी के साथ जा रही हूँ और भाई भी अपने ऑफिस जा रहे थे तो साथ में हम निकल रहे थे। और ये सुबह का टाइम है 9 बजे का, तो बच्चे भी हमारे पीछे पीछे भागम भाग आ गए कि हमें जाना है। लेकिन मैं इनको लेके नहीं गई थी क्योंकि कोरोना कर्फ्यू चला हुआ है यहाँ पर। तो ये देखिए, फिर भी वो नीचे तक हमें सड़क तक छोड़ने आए थे। और अब आब्या भी बहुत तेज़ भागती है, 3-4 बार ये गिर भी गई है, टांगे सब जगह इसको चोट लगी, लेकिन अब अच्छी तरह से चलना सीख गई है। अब पहले तो इसको पकड़ के चलाते थे, लेकिन अब आप देख सकते हैं कितनी दौड़ रही है और फुल मस्ती में है। तो भाई जी नीचे वेट कर रहे थे। जहाँ हम आज घूमने जा रहे हैं वो मेन मार्केट है यहाँ की। तो मांझी को भी पोस्ट ऑफिस में काम था और मांझी पोस्ट ऑफिस में एजेंट हैं, तो ये लेके जा रहे थे डिपॉजिट कराने। तो फिर बच्चे यहाँ पे बाय कर रहे हैं और हम निकल पड़े, मैं, मांझी और भाई जी। तो आप पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा और फुल एंजॉय करिएगा ब्लॉग का, क्योंकि रास्ते में ही मेरा कॉलेज आता है। जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की और एमए भी की थी वहीं उसी कॉलेज से, पॉलिटिकल साइंस में। और उससे ऊपर फिर मेरा स्कूल आता है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहाँ से मैंने प्लस टू की थी। तो आप बने रहिए ब्लॉग में, और जो नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को और प्यारा सा कमेंट दीजिएगा और लाइक करिएगा। ये है रास्ता, यहाँ से देखिए कॉलेज शुरू हो गया है। तो ये रहा मेरा कॉलेज, तो ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सरकाघाट है, यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की थी और पॉलिटिकल साइंस में एमए की थी। तो देखिए बचपन की यादें ताज़ा हो गई। और यहाँ पे मैं वीडियो को स्लो करूँगी तो आप खुद देख सकते हैं कि अंदर तो जा नहीं सकते थे, गेट बंद था, और वैसे भी कोरोना कर्फ्यू है तो बाहर तो हम निकले नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई। तो इस कॉलेज का सबसे बड़ा एरिया है, इसमें आप देख सकते हैं नीचे से इसका एरिया लगा है। ये बहुत ही ज़्यादा एरिए में बना हुआ कॉलेज है, आगे गर्ल्स हॉस्टल है। तो हमारे लिए तो नियर था, हम तो बाई वॉक ही जाते थे, कभी गाड़ी से आना नहीं होता था। बाई वॉक हमें आधा घंटा लग जाता था और गाड़ी से 10-15 मिनट लगते थे। जितना मेरे घर से मेरा ससुराल है उतना ही ये कॉलेज मेरे घर से है। तो ये देख सकते हैं, ये सारा नीचे आपको एरिया दिख रहा है, सारा डिग्री कॉलेज का ही है पूरा। और ये सामने दिख रहा है, ये है गर्ल्स हॉस्टल। अब कुछ ही दूरी पे हमें जाना है पोस्ट ऑफिस, थोड़ी देर वहाँ रुकना है, उसके बाद फिर हम मेन मार्केट की तरफ जाएंगे। मार्केट 1 बजे तक ही खुली रहती है, कोरोना कर्फ्यू के रूल के मुताबिक 1 बजे तक ही शॉप खुली रहती हैं। थोड़ा सा हमें टाइम लग गया पोस्ट ऑफिस में, तो मार्केट इतना हम शॉपिंग नहीं कर पाए, फिर भी मैं आपको दिखाऊँगी। और वहाँ पर था मेरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ आगे।
तो ये आगे आ गया पोस्ट ऑफिस, और उसके बाद फिर हम आगे मार्केट में। ये देखिए तो मार्केट बंद हो चुकी थी, ये तकरीबन 2 बजे का टाइम था। और ये है सेक्रेटरिएट सरका घाट में, जहाँ पे सरकारी सारे सरकारी ऑफिस बने हुए हैं, और ये तहसील भी है यहाँ पे। तो ये मेन मार्केट है इस एरिया की। मुझे बताइएगा कि आपको यहाँ की मेन मार्केट कैसी लगी। मार्केट तो मैंने नहीं दिखाई, लेकिन जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जैसे कि ये सरकारी भवन, और ये आ गया मेरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरका घाट। तो यहाँ पर प्लस टू तक की पढ़ाई मैंने की है। तो चलिए मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। तो गेट तो बंद था, लेकिन मैंने मोबाइल को गेट से अंदर किया, और थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि अगर मोबाइल नीचे गिरा तो। ये देखिए, ये है मेरा स्कूल और ये प्लेग्राउंड। तो यहाँ पे हमारी प्रेयर होती थी सुबह इस ग्राउंड में। आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरा स्कूल कैसा लगा और मेरा कॉलेज कैसा लगा, कमेंट दीजिएगा। और यहाँ स्कूल तो हम बाई बस आते थे, क्योंकि ये दूर है थोड़ा, लेकिन कॉलेज तो नियर है, कॉलेज तो हम बाई वॉक ही चले जाते थे। तो ये देखिए, और ये नीचे मिडिल स्कूल है, ये सामने मिडिल स्कूल का ग्राउंड है, ये मिडिल स्कूल है यहाँ पे, और ऊपर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। तो कितना बड़ा प्लेग्राउंड है यहाँ पे, और बहुत सुंदर दृश्य है। ऊपर जंगल है, चीलों का जंगल है, और यहाँ पे थोड़ी सी बारिश होने पे भी बहुत अधिक ठंड हो जाती है, और बारिश ज़्यादा होती है इस एरिया में। और ये दूसरी साइड भी यहाँ देख सकते हैं आप, ये वही कार्यालय भवन है। ये देखिए, यहाँ पे सारे सरकारी ऑफिस बने हुए हैं, और इसी की लेफ्ट साइड में शिव मंदिर है। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको शिव मंदिर दिखाऊंगी, लेकिन मंदिर भी बंद थे, मैं बाहर से ही दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ पे बेंच लगा था, तो हम यहाँ बैठ गए थे। तो ये देखिए आजकल क्या हाल है इस बीमारी से, कि मंदिर भी बंद हैं, सब जगह बंद पड़ा हुआ है। एक दिन ऐसा था कि सब दर्शन करते थे भगवान के, लेकिन अब तो भगवान के गेट भी बंद हैं। तो मैं नज़दीक से आपको दिखाती हूँ गेट के अंदर, जैसे कि मैंने स्कूल की वीडियो बनाई वैसे ही मैं मंदिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, तो ये है शिव मंदिर। तो जब कभी हम स्कूल आते थे तब मंदिर भी चले जाते थे दर्शन करने के लिए। तो शिव जी भगवान का मंदिर है यहाँ पे, दुर्गा माता की भी फोटो लगी हुई है, और छोटा सा पौंड है यहाँ पे जिसमें कछुआ बना हुआ है, तो बहुत सुंदर है अंदर से। लेकिन जब कभी इस मंदिर खुलेंगे तो मैं ज़रूर इसको दिखाऊँगी आप लोगों को। तो ये देखिए आज की वीडियो आपको मेरी कैसी लगी, और हाँ जी बैठे हैं नीचे, तो हम यहीं वेट कर रहे थे। तो भाई जी की मीटिंग चली थी, बस थोड़ी देर में वो आ जाएंगे और फिर हम घर की तरफ चल पड़े। और आप मुझे बताइएगा आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, और यहाँ की नियर मार्केट कैसी लगी, कॉलेज कैसा लगा, और मेरा स्कूल कैसा लगा। तो बच्चे भी वेट कर रहे थे, तो हमें टाइम लग गया था 3-4 घंटे। फ्रेंड्स, आप एंजॉय करिए आगे का ब्लॉग का, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।